हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। देखिए, मैथ के कुछ क्वेश्चन जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री और 80 डिग्री है, कितना डिग्री? 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का माप कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180 डिग्री। 180 माइनस 60 प्लस 80, 180 माइनस 60 प्लस 80 140, 180 माइनस 140 40 डिग्री। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली, कितने लाख रुपए की? 2 लाख रुपए की। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज ब्याज अदा करेगी? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है? 2 लाख। गुणा दर कितनी है? 7%। समय कितना है? 2 वर्ष बटा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दुनी 14, 14 दुना 28, 28 और 3 जीरो, 28,000 रुपये साधारण ब्याज। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी को टर्म ए में 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए, 80 में से कितने अंक? 80 अंक। और टर्म बी में, टर्म सेकंड में 75 अंक प्राप्त हुए 90 में से। तो टर्म ए ए के अंदर 80 बटा 80, सेकंड के अंदर 75 बटा 90। यदि दोनों टर्मों के लिए दिया गया भारांक अंक क्रमशः 40% और 60% है, तो पहले वाले के लिए 40% और 60%, 80, 80 का 40 बटा 100 प्लस 90 का 60 बटा 100, तो ये हो जाएगा, इसका मान 86। दूसरा हो जाएगा 80 का 40 बटा 100 प्लस 75 का 60 बटा, तो इसका मान हो जाएगा 77। तो 77 नंबर प्राप्त हुए इसको कितने में से? 86 में से इंटू 100, तो काटने पर लगभग 90%। आगे देखें स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर, कितने के बराबर? तो हो जाएगा भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक, भाजक प्लस शेषफल। तो हो जाएगा दो, ये हो जाएगा 335 माइनस 263, 335 माइनस 265 इंटू 3, कोष्टक 3 इंटू 335 प्लस 265 और प्लस 35, ये हो जाएगा 210 इंटू 600 प्लस 35। 210 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126,000 प्लस 35, 126,035। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उस पर प्रत्येक 5% की 2 कार्मिक छूट दी जाती है, इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से
विक्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? तो 100 से कितना कर दिया पहले, 100 से 120, 100 से 120, फिर उसका मूल्य कितना 100 से 120, फिर 20 के अंदर 120 माइनस 5%, तो ये हो जाएगा 5, 12 × 5 = 60, 114%, 114% माइनस 5%, तो 11.4, 11.4 में से हो जाएगा 5.7 माइनस कर देंगे, 5, ये 5.7, 114 में से 5.7 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3, 8, 108, 108.3, तो 100 से कितना बढ़ गया, 108.3, तो कितने प्रतिशत अधिक, 8.3%। छठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेमी, 7 सेमी और 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका अर्ध परिमाप S बराबर 5 प्लस 7 प्लस 10 बटा 2, 7 और 5 12 और 5, 7 और 5 12 और 10 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 11, रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट एस का मान कितना 11, 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना 6, 11 में से 7 चला जाएगा तो 4, 11 में से 10 चला जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 2√66 cm². आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, सरल कीजिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये भी 7, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस √16 का मान आ जाएगा 4, 36 और 4 40 और 49 89। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दो ट्रेनें जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है उनकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर वह एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 140 ये हो जाएगी 260, 120 प्लस 140 260, 260 कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो इनकी चाल हो जाएगी, इनकी चाल हो जाएगी तो ये हो जाएगी 0 से 0 26 मीटर प्रति सेकंड, दोनों की चाल तो 2 का भाग देंगे तो प्रत्येक की चाल हो जाएगी 13 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखें नौवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक कंबल को 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है, 1148 बटा 70 इंटू 100, 0 से 0, 7 से 7 एकम 7, 4 7 6 42 728, 1640 उसका क्रय मूल्य हो गया, 5% का लाभ, तो 1640 में 5% जोड़ देंगे, 5 कितना हो जाएगा 82, तो ये इसका मूल्य हो जाएगा 2, 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1, 1722। आगे देखिए स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, का महत्तम समापवर्त्य 17 है, तो संख्याएं होगी अनुपात कितना है, 5:7, एच सी एफ बराबर 17, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 और 17 × 7 119, 85 और 119। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।